पानी में भिगोकर पापड़ को पनीर के साथ एक बहुत ही जबरदस्त और जायकेदार करारी रेसिपी बनाने जा रहे हैं। 200 ग्राम पनीर लिया है, 100 का तेल है, मीडियम साइज का ऑनियन, हरी मिर्च, धनिया, थोड़ा सा नमक, काली मिर्च, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पनीर को इसके साथ में मिक्स कर देंगे। बेसन लिया है, थोड़ा सा पानी, काढ़ा काढ़ा सा तैयार करेंगे, ग्लू टाइप का बना दिया हमने। पापड़ मूंग दाल उड़द वाला होना चाहिए। प्लेट में डाल रहे हैं हम थोड़ा सा पानी। जैसे ही आपने पानी में डाला तुरंत उसको निकाल दीजिए, बस भीग जाना चाहिए अच्छी तरह से। कपड़े के ऊपर इसको रख देंगे ऐसे। जो पनीर की स्टफिंग हमने करी थी, अब जैसे फोल्ड करते हैं हम रोल को, उसी तरह से फोल्ड करेंगे इसको और अब इसको रोल करेंगे। जो बेसन का बैटर हमने तैयार किया था वो लगाना है और टाइट इसको बांधना है, जिससे ऑयल का टेम्परेचर मीडियम टू हाई होना चाहिए। हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। मुश्किल से पकने में लगता है इसको 30 सेकेंड और पापड़ रोल रेडी।